नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, A&M स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती नोटिस, सभी विभाग मिलाकर खाली पदों पर 1,70,000 से ज़्यादा अधिक होनी है भर्ती। नोटिस दोस्तों जारी हो गई। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, जो अपडेट जारी हुआ है वह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा। उत्तर प्रदेश में खाली जो पद पड़े हुए हैं उसको भरे जाने की तैयारी की जा रही है 2024-25 के वित्त वर्ष के लिए। सब कुछ पास हो गया है। चलिए दोस्तों, स्किप एकदम ना करिएगा, सब कुछ आपको बताऊंगा संपूर्ण जानकारी के साथ में। यहां से दोस्तों देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने की तैयारी है। लखनऊ से खबर है, नए वित्त वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी प्रदेश सरकार ने की है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों में से 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। आउटसोर्सिंग से भी 1 लाख से अधिक कार्मिक तैनात किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर होने वाली इन भर्तियों को देखते हुए सरकार ने 2024-25 के लिए वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ रुपए अधिक का आवंटन भी कर दिया है। और यहां से देख सकते हैं दोस्तों, 1 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे भर्ती। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक समूह गा के पदों पर भर्तियाँ होंगी। बड़ी संख्या में लेखपाल के पद हैं, ग्राम सचिव, सचिव ग्राम पंचायत के हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के हैं। और साथ में दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस की भर्ती भी होनी। देखिए दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल में आपके कौन कौन पद आते हैं, A&M स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये सब आते हैं। तो दोस्तों लगभग नियर अबाउट 1 लाख पद बताए जा रहे हैं कि इन सभी विभाग में भरे जाएंगे, वो भी अस्थायी तौर पर। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। इन अस्थायी पदों के साथ ही विभागों के काम के बोझ को बांटने के लिए 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिक भी रखे जाने हैं। जो आउटसोर्सिंग कार्मिक रहेंगे दोस्तों, वो स्वास्थ्य विभाग के भी रहेंगे, आपके पैरामेडिकल से हुए या A&M के हुए, फार्मासिस्ट के हुए, लैब टेक्नीशियन के हुए, तो आउटसोर्स से भी इनको रखने की तैयारी है। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए वेतन मद में सरकार ने अधिक बजट का प्रावधान किया है। यह सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और कुछ के विज्ञापन निकाले भी जा चुके हैं और कुछ के विज्ञापन अभी नहीं निकले हैं। अगर राज्य कर्मचारियों को हर साल दिए जाने वाले महंगाई भत्ता व पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत के अलावा कर्मचारियों को दी जाने वाली सालाना वेतन वृद्धि की रकम को जोड़ लें तो सरकार पर हर साल करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ का व्यय भार पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर पद देखे जाएंगे तो आपके 2024-25 के वित्त विभाग में नर्सिंग व पैरामेडिकल को ज़्यादा करके फोकस किया गया है। इनमें दोस्तों पदों की संख्या बहुत ढेर सारी आएंगी, चाहे आउटसोर्सिंग से हो, चाहे अस्थायी रूप से हो। और साथ में दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो दोस्तों आप लोग को नोटिस में दिखा रहा हूँ, यह सब जो है हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले पहले यह नोटिस जारी हो जाए और ऑनलाइन आवेदन भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। A&M स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन सभी पदों पर भर्ती जो है बहुत अच्छी होने जा रही है। और इसके साथ में दोस्तों सभी विभाग मिलाकर 1,70,000 से ज़्यादा अधिक जो है भर्ती होनी है। तो दोस्तों यह अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।